अब सवाल है कि संत ये भी पहचानना बड़ी मुश्किल है। तुलसी साहब कहते हैं, जो कोई कहे साधु को चिन्हा, तुलसी हाथ कान पर गन्ना। तुलसी साहब के दम तो कान पकड़ते। कोई कहता है कि ये हम साधु को पहचानते हैं, बड़ी मुश्किल है। रामकृष्ण परमहंस देव जी रहते थे उस समय तो कलकत्ता ही बोलते थे लोग, अब न कोलकाता कहते, दक्षिणेश्वर में रहते थे। अब उनकी सेवा में उन्हीं के भगना थे हृदय, और वे सेवा में लगे रहते। तो भोज भंडारा हो तो जूठन पत्तल गड्ढा में फेंक देते, जहाँ भंडारा होता है तब जानते कुतवा सबको कौन निमंत्रण दे देता है। हम लोग जो तल्ला पर हैं, ये तो चार तल्ला यहाँ भी न है, जहाँ ठहरे हैं नीचे ये दो तल्ला नीचे। कुतवा को भी निमंत्रण भेजे थे क्या? वो आखिर से वहाँ पोटली में घुस रहा था। और रात्रि अब क्या करें, वो जो अतिथि देवो बिना बताए आए हैं। तो जूठन पत्तल जहाँ गड्ढा था उसमें कुत्ता पहले से वो भी निमंत्रित होकर आ गए। एक नंग भरंग पागल आया, वो भी उस गड्ढा में घुस गया। तो कुतबा गुरगुराया, अब कुतबा की भाषा तो है वही, गुरगुराने का मतलब क्या है कि तुम बाहर निकलो हम खाएंगे। आई बगलवा में घुस गया, कहा गुर्राता क्यों है, तुम भी आया है हम भी आए हैं, तो गुरगुरा क्यों रहा है? बस कुतबा उपदेश बुझे, गुरगुराया तो वैसे झपट के कुतबा को बामे से बैठ लिया, चट से पत्तल उठाया और मुँह में कुछ पहले कुत्ते के मुँह में चल गया खाओ। अब उसको ही सारा अपने चाट रहा है। तो हृदय की जो दृष्टि पड़ी तो वे रामकृष्ण परमहंस देव जी से कहते हैं कि महाराज जी कैसा पागल है। तो रामकृष्ण परमहंस देव क्या कहते, तुमको आँख है तुमको आँख, अरे पहुँचा हुआ संत है। मसला ये पहचान सकते हैं आप, जिनकी अंतर की आँख खुली है वो देखते हैं कि ये कौन है। तो तुलसी साहब इसमें कहते हैं, मैं तो कौन कर सकता हूँ, पहचानना बड़ी मुश्किल है। संत सरल चित जगत के हित करने वाले होते हैं, कितना है उनके आप अहित कर दिए हैं, पर वे आपके हित ही करेंगे। ऐसे संत होते हैं। एक महात्मा जी झोला डंडा लिए चले जा रहे थे, चार चोर पकड़ लिए महात्मा जी को, सामान तो छीन ही लिए और यहां से लुल्हा बोलते हैं तो क्या जा सकते, यहीं से आए कलाई जी बोलते, यहीं से दोनों काट के अब बाबा जी को कुइया में गिरा दिया। अब चले गए कुआ में, चोर सब निकल गए। राजा सेनाओं के साथ चले जा रहे थे, प्यास लगी तो कहा पानी की व्यवस्था करो, तो गए कुआं के पास। तो अंदर से आवाज आ रही थी, हरे गोविंद हरे मुरारी। लगा भाई कुआं से हरे गोविंद हरे मुरारी, लगता है कुआं में कोई भक्त भी गया है। दौड़ कर आए राजा से कहते हैं, कहा चलो। तो फिर उनको निकाला गया, किसने ऐसा किया है? अब महात्मा जी
किसने क्या है, मामा जी क्या बोलेंगे। तो राजा महात्मा जी को भी आग्रह करके साथ ले गए और अपने दरबार में बड़ी आग्रह करके कहे कि आप नहीं रहिए, आपकी समुचित में सेवा करने के लिए तैयार हूँ। परमात्मा जी कहते मैं यहाँ तब रहूँगा कि जब यहाँ सत्संग की व्यवस्था हो और यहाँ नित्य सत्संग हो। तो व्यवस्था हो गई, सत्संग होने लगा और महात्मा जी कहे राजा से अगर कोई साधु संत महात्मा आ जाए तो उनकी समुचित सेवा की जाए, जाने लगे तो दान दक्षिणा भी आप दें। तो सत्संग होने लगा, कोई साधु संत भी आ जाए उनकी बड़ी खातिरदारी हो सेवा हो, जाने लगे तो दान भी करते थे राजा। धीरे धीरे ये बात फैल गई तो संत महात्मा लोग आने लगे, सत्संग वहां होता था नित्य। चारों टोर को भी पता चला कि राजा के दरबार में संत आए हैं और वहां सत्संग होता है, कोई महात्मा पहुंचते हैं तो बड़ी सेवा होती है उसकी और दान दक्षिणा भी भरपूर देते हैं। तो वे चारों टोर भी चले साधु का वेश बनाते। जब पहुंचे वहां तो दृष्टि तो गई, मन कुशल ये चारों पहचान गए और महात्मा जी की भी दृष्टि गई उस चारों पर, तो महात्मा जी भी पहचान गए। तो महात्मा जी राजा के कान में कह रहे हैं ये चारों महात्मा जो आ रहे हैं उनकी आप समुचित सेवा करेंगे, जब जाने लगेंगे तो भरपूर दान दक्षिणा भी आप देंगे। अब बगल में जो सिपाही हैं ये भी सुन रहे हैं, तो मन में होगा कि बाबा आज तक राजा से कभी नहीं इस तरह बोलते थे, बहुत महात्मा आते थे चले जाते थे, पर इन चारों को देखकर बाबा स्वयं राजा से कह रहे हैं तो मन में हक लगता ही बाबा के कोई अपने होंगे, समझी की बात लोग लगा लेते हैं। और ये चारों की दृष्टि गई कि राजा के कान में कुछ कह रहे हैं, किसकी तो धड़कन बढ़ गई क्योंकि हाथ काटा है। अब दरबार में पहुंच गए हैं, हड़बड़ होके भागने से भी पार लगेगा ना, चुपचाप वहां बैठ गए। सत्संग समाप्त हुआ, बड़े आदर से उनको ले गए, बड़ी उनकी सेवा की गई, नया कपड़ा सब भी राजा दिए उनको। अजब जाने लगे दूसरे दिन तो काफी दान दक्षिणा दिए और साथ में सिपाही लगा दिए कि ये जहां जाना चाहते हैं सुरक्षित वहां पहुंचा दो। अब सिपाही साथ में हैं, चारों वहां से निकले तो मार्ग में सिपाही पूछते हैं क्या आप चारों बाबा के कोई अपने लगते हैं क्या, क्या बात है। तो राजा को कह रहे थे महात्मा जी ये चारों जो आ रहे हैं इनकी आप समुचित सेवा करेंगे, जब जाने लगेंगे तो दान दक्षिणा भी देंगे, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं कि आप बाबा के अपने लगते हैं। ये चारों क्या कहता है, नहीं नहीं आप नहीं जानते हैं, ये बाबा जी एक राजा के दरबार में कर्मचारी थे, नौकरी करते थे राजा के दरबार में, हम लोग भी थे वहाँ काम करते थे, ये चोरी किए कि बाबा जी और राजा इनको फांसी की सजा दे दी, तो हम लोग राजा से बहुत सिफारिश किए कि चोरी किए हैं फांसी मत दीजिए,
अरे जो चोरी किए तो हाथ काट के दरबार से निकाल दीजिए। तो वही राजा ने हाथ काट के दरबार से इनको निष्कासित कर दिया, निकाल दिया। वही यहाँ के बाबा जी बन के बैठा हुआ है। इसीलिए कह रहे थे कि पोल खोलने दे, इतना कह ही रहे थे कि धरती फटी और चारों गड़गड़ा के ही करते रहे। सिपाही लाख फाड़ फाड़े ताकते रह गए, चारों चले गए धरती के भीतर। सिपाही अब लौट गए, आके राजा से कह रहे हैं, उस जगह महात्मा जी भी बैठे हैं, कहा कि कैसी सी बात घटना घट गई। हम पूछे कि आज दादा की कोई अपने लगते हैं कि नहीं, नहीं जो बाप सुनाए आपको यही सारी राम कहानी। राजा से बताए कि धरती फटी और चारों चले गए धरती के भीतर, कि महात्मा जी जो बैठे थे वे खड़े हो गए और हाथ तो कटा हुआ है, ये है वही कटा दोनों हाथ, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु थोड़ी सी गलती में इतनी बड़ी सजा। संत का हृदय कैसा होता है कि थोड़ी सी गलती, हाथ काट दिया है और संत क्या कह रहे भगवान से कि प्रभु कि थोड़ी सी गलती में इतनी बड़ी सजा, और आंख से आंसू बह रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करने लगे और कहते हैं कि प्रार्थना जो कर रहे थे फिर दोनों हाथ सही सलामत निकल गया है उनका। ये स्वामी जयदेव स्वामी थे वे महात्मा। तो संत शरण चित्त के होते हैं, जगत के हित करने वाले होते हैं, कितना हो अहित किए हुए हैं पर अहित ये नहीं करते। इसी में स्वामी जी के संत सरल चित्त के होते हैं, जगत के हित करने वाले होते हैं। अंगुली मारू कैसे गया भगवान बुद्ध के शरण में, हाथ में काटा है, देख लीजिए। तो भगवान बुद्ध की अंदर वो शक्ति, भगवान बुद्ध समझाए, काटा फेंक देते हैं, चरण पर गिर पड़ते हैं, बाह पकड़ के सीने में लगाए, बड़े प्रेम से समझाए, बात समझ में आ गई और गैरिक वस्त्र भी पहना दिए। अब साधु बन गए। लोग आजादी के समय में नारा लगाते थे, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। महात्मा गांधी के विषय में ये संतों का कमाल होता है, साधु बन गए और भगवान बुद्ध उनको साथ लेके चले जा रहे हैं, पीछे पीछे अंगुली माल, आगे भगवान बुद्ध। जब जंगल से बाहर अब हो रहे हैं, इधर से राजा प्रसेन जी हजारों सेना को लेकर जा रहे हैं, भगवान बुद्ध पर दृष्टि गई, कहते भगवान आप इधर कहाँ गए, इधर चंगोली माल रहता है, बहुत बड़ा हत्यारा है हत्यारा। भगवान बुद्ध कहते आप लोग कहाँ जा रहे हैं, कहा आज जैसे भी ये खोज के सफाया ही कर देना है। अंगुली माल पीछे में खड़ा है, सब सुन रहा है कि मेरी ही व्यवस्था में जा रहे हैं सारी सेनाएं। भगवान बुद्ध कहते ही राजा प्रसेन जी से, एक आदमी को मारने के लिए हजारों सेना, कहा महाराज वैसा ही जब जाई वो हत्यारा है, जो भी हो आज खोज के सफाया कर देना है। भगवान बुद्ध कहते हैं अगर वे साधु हो जाते तो। राजा प्रसेनजीत कहते हैं इतना बड़ा हत्यारा मूर्ख कभी साधु बन सकता है, भगवान बुद्ध कहते अगर साधु बन जाए तो कहाँ तक छोड़ देंगे,
फिर साधु बन जाएगा तो छोड़ देंगे। कहा छोड़ देंगे, कहा जहाँ पीछे में तो खड़ा था ही, हाथ पकड़ा और सामने खड़ा कर दिया, यही अंगुली बाढ़ बनकर राजा प्रसेन जी अवाक हो गए। भगवान बुद्ध चरण छू के प्रणाम तो करते ही हैं, और अभी भी दैविक वस्त्र धारण किए वो हत्यारा अंगुली माल साधु वेश में हैं, तो भगवान बुद्ध के चरण छू के प्रणाम करते हैं और वो अंगुली माल का भी चरण छू के प्रणाम करते हैं। देख लीजिए संसार में संतों का कमाल कैसा होता है, और वो अंगुली माल अंत में जब दुनिया से विदा हुए बच्चियों ने पूछा किसकी क्या गति हुई, कहा ये निर्वाण को प्राप्त किए, उस परम पद को प्राप्त किए, कहां चला गया सब पाप, यही भक्ति की खासियत है। इस सारे जन्म जन्मांतरों का जो भी गड़बड़ सड़बड़ कर्म बना है, जिस कर बंधन के चलते कीड़ा और मकोड़ा भोला नरक स्वर्ग तमाम जो चौरासी चक्कर काट रहे हैं, वो सब जल करके भस्म होता है और आपकी सदगति होगी, जहां से कि लौटना नहीं पड़ता है। ये भक्ति करने की ये खासियत, वो लाभ आप हासिल करेंगे। इसी को सबसे पहले संतों के पास जाओ, वहां बैठ करके कथा प्रसंग को सुनिए, और सुन करके केवल रह गए तो फिर गड़बड़, उनकी सेवा भी छल कसर छोड़ के करने की बात है। तीसरी भक्ति अमान, मान सम्मान छोड़ के जाइए उसके पास। सर्वेवाई कहती क्या है, कि हम किस कुल के हैं, किस जाति के हैं, क्या हैं, जो आगे सत्संग में जाति वरण कुल खोल ये सब हटा के तब जाओ सत्संग में। सहजो मैल कुचैल जल, मैला कुचैला कितना हो सड़ा जल जौन हो, अगर वो जल की दिशा गंगा की तरफ हो जाए, अब बढ़ते बढ़ते गंगा जी जैसे गिरेगा, गिरो से गंग हो गंगा जल हो जाता है, कितना हो सड़ गए हो, दुर्गंध ही निकलती हो, उसकी चिंता ना करें आप। चिंता अब ये करनी है कि जिस दिशा में चल के हमारी ये दुर्गति हो रही है उस दिशा बदल दो, बस इतना ही बात है। वही दिशा बदलने की क्रिया को ही भक्ति है, यानी हम बहिर्मुखी चाल में चल रहे हैं, इंद्रियों के संग में रह के चलते हैं, तो इंद्रियां बहिर्मुखी है, अब बाहर चले जाएंगे, कहां बाहर जाइएगा इंद्रियों के संग में रहकर। तो गोस्वामी जी कहते पाचई पाठ परस रस शब्द गंध अरूप, इनकर कहा न कीजिए, अनैप कहा, बार बार ही संसार में आना पड़ेगा और मरना पड़ेगा, बौरी परस भटको ये कहते हैं। तो हम चले जाते हैं इंद्रियों के साथ रहकर विषयों में, और विषय में आप डुबकी लगाएंगे, इस संसार में बारंबार आना होगा और तब मरना भी पड़ेगा आपको, यही सबसे बड़ा दुख है और यही दुख में आप पड़े रहेंगे। तो बचेंगे कैसे, तो इंद्रियों का संग छोड़ दें, तो वही युक्ति बताएंगे कैसे तुम छोड़ सकोगे, तो मंत्र का जब बतलाएंगे, ये युक्ति भजन भेद तो संत गुरु बताएंगे, तो मंत्र जाप मन गुरु विश्वासा पंचम भजन, तो वेद प्रकाशा मंत्र का जप करना पड़ेगा, और उसके रूप
का ध्यान भी करना पड़ेगा आपको, तो आप में वो दृढ़ता वो क्षमता आ जाएगी तब। और ये छठी जो भक्ति है छठ दम की, ये है इंद्रियों में जो दम है, आप में जो दम है, इसलिए तो बम बम कर रहे हैं। ये पंखा में दम है बिजली के दल पर, अभी बिजली कर गए सब दम कर गए, मचेगा फिर तो इंद्रियां जिस बल पर बम बम कर रही है, किस बल पर? बिजली के बल पर तो पंखा, बिजली के बल पर ये माइक थी एम्पलीफायर, बिजली गई है उसी से कनेक्शन जुड़ रहे हैं। और दम देख रही है मेरी आवाज को खींच कर, और साउंड बॉक्स होकर दस गुना बुलंद निकल रही है। अगर बिजली गुम हो जाए कट जाए तो दम निकल जाए, इसी माइक की मेरी आवाज खींच सकेंगे, साउंड बॉक्स से आवाज निकलेगी। तो बिजली के बल पर ये सब काम देख रहे हैं आप, वैसे आप के अंदर जो सारी इंद्रियां है चेतन धारा के बल पर ये सब बम बम करती है। जैसे बाजार में बिजली आई है, आई तो 11,000 वोल्ट, 1,20,000 वोल्ट भी, कहीं 33,000 वोल्ट भी, मगर श्री देसीदास के घर में गई है। अगर चली जाए 1,20,000 वोल्ट तो 30,000, 11,000 क्या होगा, गले में आग लग जाएगी। अब क्या बताई गई नारा जला रहा था। एक नौजवान क्या किया तो सोचा कि शाम होने पर काम कैसे होगा, तो पोल में सोचा कि भाई अब है 11,000 वोल्ट, अब वो खुदन बना के समझे ना सीधे ले जाके लगा दिया। जैसे लगाया तो आग जो उठी है वहां से तार सीधे आग जल करके दाग हो गई, वो तो बच गए। तो पहले चिंगारी तो पहले छोड़ के भागा, ये भाग जल जाए। तो बिजली आती है पहले ट्रांसफॉर्मर, वहां कंट्रोल होके सब घर घर में गई है, और आपके घर में फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, हीटर है, मोटर है, पंखा है, सब है, पर बिजली से गई। वही बिजली गई हीटर में, आग बलती है, बगल में फ्रिज है तो वहां बर्फ भी जमाती है, एकदम विपरीत काम। कहाँ ये आग निकलती है, कहाँ बर्फ देख लीजिए। पंखा में है तो पंखा से हवा निकल रही है, देख लीजिए। मरकरी में गई बिजली तो रोशनी दे रही है। अगर आप ट्रांसफार्मर लग के बिजली को काट दीजिए, फिर सारे बाजार के हीटर मोटर रेफ्रिजरेटर बर्करी की क्या दशा होगी, सब ठप हो जाए। हर कोई फीचर फिर उसको चालू करो जब तक बिजली नहीं जाएगी। तो ये बिजली आई थर्मल पावर से, और हम लोगों के अंदर जो आई है चेतन धारा सुपर पावर, सबसे बड़ी शक्ति परमात्मा की धारा है। और वो धारा आई यही आज्ञा चक्र ट्रांसफॉर्मर में, वहां कंट्रोल होके आंख कान नाक सारी इंद्रियों के घाट में चली गई है। और वो चेतन धारा गई आंख में तो आंख देखती है, वही धारा गई है कान में, कान सुनता है, देख लीजिए। वही धारा गई आंख में, आंख देखती है। वही धारा गई कान में, कान सुनता है। वही धारा गई जिभ्या में तो स्वाद लेती है। वही धारा गई नाक में, नाक गंध ग्रहण करती है। चमड़ा से कड़ा मुलायम ठंडा गर्म आप पता लगा लेते हैं। तो ये जो चेतन की धारा है एक, मगर अलग अलग इंद्रियों में जाके अलग अलग काम इंद्रियां कर रही है। अगर आज्ञा चक्र ही आप चेतन की धारा को समेट लीजिए तो क्या होगा, जैसे सारे बाजार के बिजली ट्रांसफार्मर लग से ही आप काट दीजिए, सारे बाजार के सब यंत्र ठप हो जाएंगे,
वैसे ही आप चेतन की धारा को आज्ञा चक्र में समेट लीजिए, आप खुली रहेगी नहीं देखेगी, कान खुला रहेगा नहीं सुनेगा, मुंह में रसगुल्ला घुसिया दीजिएगा कुछ पता नहीं चलेगा, सारी इंद्रियां निश्चस्त हो जाएगी, ठप हो जाएगी। तो इंद्रियों का काम बंद हुआ, और इंद्रियों का धर्म किया है विषय को ग्रहण करती है। तो हमारे गुरु महाराज का फैसला सुनाते हैं, अगर इस तरह तुम कर सको तो क्या क्या कहते हैं, कर्म धर्म को जला खा कर देंगे तुमको दास, कर्म और धर्म को जला दो। वही चेतन धारा गई है, इंद्रिया काम कर रही है, क्या काम कर रही है, तो विषय को ग्रहण करती है, यही धर्म है विषयों का, इंद्रियों का धर्म विषय ग्रहण करो। और वह चेतन धारा सिमट गई, अब काम भी ठप, तो विषय कैसे ग्रहण करेगी, यही कर्म और धर्म। तो ये चेतन धारा को समेटने से सारी इंद्रियां दम तोड़ देती है। तो यहां कहते छठ दम शी विरक्ति बहु कर्मा निरंतर सज्जन धर्मा, ये इंद्रिय निग्रह की साधना है, यानी वही चेतन धारा को आप समेट लीजिए। तो यही दोनों दृष्टि पहले संसार के ख्यालों से जब आप हटा लेंगे, और यही दोनों दृष्टि की धार एक होगी अंदर में, तो सारी चेतन की धारा सिमट के वहां केंद्रित हो जाती है। अब क्या होगा, तो हमारे गुरु महाराज कहते वही सुष्मन के तिल में तुमको घुसना पड़ेगा। अब उसमें जब घुसिएगा तो निकलिएगा कहां, कहां स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, ये चार जड़ शरीर है और एक कैवल चेतन शरीर। तो कहते हैं कैवल्यु के भी पार चले जाइएगा, तो उसी होकर के स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और केवल शरीर के पार निकलिएगा। अब गुरु महाराज दावे के साथ कहते मैं ही हो सकोगे, जाओगे वही पार, पार गमन ही सार भक्ति है, लो यही ही मैं धार। कहते इस बात को तुम्हें धारण कर लो, इसके अलावा इधर उधर कुछ कर रहे हैं वो सब भूसा है, भूसा कुछ हाथ नहीं लगेगा। यही इस पार से उस पार चलने की क्रिया को गुरु महाराज ये सार भक्ति कह रहे हैं। और इंद्रियों के संग में रहकर जो भी पूजा पाठ करोड़ों करोड़ रुपया अनुष्ठान में लगा रहे हैं, ये सब आसार भक्ति है। इसलिए गुरु महाराज हिदायत करते आहो भक्त सार भक्ति करी हो, आसार भक्ति करी तो संसार भर मत रही और भक्ति श्रम भी करके व्यर्थ चले जाएंगे, आप आवागमन में पड़े रहेंगे, दुख भोगते रहेंगे। इसीलिए हमारे काश जीवा चौंक देव धर्म चाहे जो कर ले आवागमन में चढ़ता है, तुम बढ़ती और जन्मते रहोगे। इसलिए चेतन की धारा को समेट कर अपने अंदर जब आप सुष्मन के तिल में प्रवेश करेंगे, चारों जड़ और चेतन शरीर के आप पार चले जाएंगे। और उस पार में जो अनंत पार जो गोस्वामी जी कहते हैं जड़ चेतन, यही प्रकृति के पार जो चला जाता है, वो परमात्मा जो सर्वभाती है, उस परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ भक्ति की प्राकाष्ठा है, आप शिखर पर चढ़ गए, जहाँ से भी लौटना नहीं आता है, इस पचड़ा में नहीं फंसना पड़ता है। तो ये छठी भक्ति में सारी इंद्रियों के घास से चेतन की धारा सिमटती है, और सिमट कर जब केंद्रित होती है चमचमाता हुआ प्रकाश में बिंदु में, जब वह धारा सिमट कर उस पार चली जाती है, तो हमारे वेदांत के ऋषि कहते हैं बिंदु पीठम बिलुद्धि नादलिंग में उपस्थिता, उसके ऊपर जब चल जाता है तो वह सागर परमात्मा की आवाज के साथ हो जाता है।
अंदर में ध्वनि होती है और इस ध्वनि को आप सुनेंगे और ये सातवीं भक्ति है और उसी आवाज में यह मन गल जाता है और ये छठी और सातवीं और आठवीं तो वो खजाना हाथ लगा अथम लाभ संतोषा, वो लाभ हाथ लग जाता है, वो भंडार हाथ लगता है जहाँ सब कुछ है, कोई कमी है ये नहीं है। अगर कमी है तो फिर इच्छा होगी कैसे होगा, फिर इच्छा होगी तो वहाँ सब कुछ है। अथम लाभ संतोषा, संतुष्टि हो जाती है। जब संतोष धन आता है तो सब धन धूल समान हो जाता है। जब आवे संतोष धन, तो संतोष धन कहाँ है, आठवीं सीढ़ी पर है। आठवीं सीढ़ी पर संतोष है, यहाँ कदरे संतोष रखा ना, बोला संतोष होने वाला, इसे बोलने से हो जाता है, कहने वाला समझा रहे संतोष है, उसको खुद से संतोष नहीं है, वो भी फिर पड़ता है तो फिर वही आदमी जो तो हूँ संतोष रखो ना। यही दशा है, किसी के पास संतोष नहीं, वो आठवीं सीढ़ी पर गया ही नहीं है। अब सपना नहीं देखे कर बोलता पका के दूसरे उत्तर झांकते रहेगा, आठ पर झूमत ही बीते डाल दियो संभारा। अब वो मस्ती होती है वहां, मस्त रहते ही मस्तान हो जाता है। हमारे चरणदास जी महाराज कहते हैं, ऐसा देश दीवाना रे लोगो जाए सो माता हो, जो वहां जाता है ना मस्त आ जाता है, मस्त हो जाता है एकदम। वो कौन सी मस्ती आती है, वो कौन नशा है जो मस्त हो जाते हैं, तो चरणदास जी महाराज कहते हैं, बिना मदीरा मतबारे झूमे, यहाँ तो पी पी के ना झूमता है, अजागेगा धान में उलट जाता है। आप कभी देखे हो, देखे हैं कि बीच सड़क पर पियक्कड़ गिरता है, नहीं गिरता है तो कभी साहब कहते हैं क्यों नहीं गिरते, बीच सड़क पर गिरता है चलत कट टेढ़ो टेढ़ो ही, माने उसका पैरे ऐसे पड़ता चलता है, वो अपने साइड में चला जाता है, बीच सड़क पर रहता ही नहीं है। आज वहां किनारा गया तो उलट गया तो आधा दे खंता में, आधा दे या लुढ़क गया तो खंता में चला दिया। कहीं भागलपुर बस स्टैंड पर पहुंचे, बस पकड़ना था तो देखियो 20-25 आदमी नाला में कुछ झांक रहा है, तो क्या बात है, तो हम भी पहुंच गए वहां, तो देखते क्या है, एक नौजवान है फूल पैन सब पीने हैं और वो जुत्ता आजकल कौन बोलते हैं सर एक्शन वाला, मौजा सब जुत्ता पीने हुए नाला में घुस गया था, अहिल था बोलता नहीं था, तो लोगों को लगा कोई मार के घुसा दिया है। तो एक आदमी झुका और पैर पकड़ के खींच के बाहर कर दिया, जैसे खींच के बाहर छोड़ दिया उठ उठ के उबैठ गया, मरा नहीं था। और विचार गाली दे करके क्या कहता है, हम स्वर्ग में थे कौन हमको निकाल दिया। देखिए लाठियों जो है ना सभी की बात, सारे लोग हंसने लगे, विचार गाली दे के कहते हैं कौन हमको बाहर कर दिया, हम तो स्वर्ग में थे। तो वैसे ही नाला वाला सुख में सड़ा पचा में हम लोग डूब गए हैं, असंत जब आते हैं तो कहता ये कौन आ गया, ये सुख से बाहर निकाल रहा है, तो गाली गलौज क्या देंगे, पील ठोक लटका दिया ईसा मसीह को। देख लीजिए आया था नाला वाला सुख से कीचड़ में डूबा है, समझे ना जिंदगी सड़ रही है, तो वो आया निकाल ले तो निकालेगा क्या, उसी को दीवार में छोक छाप के कील में रखता है। यही तो संतों की दुर्दशा किए लोगों ने, मंसूर को कुटिया दिया, बंदा वीर को कढ़ाई में डाल के खोला दिया, के दे ये तो इस दुनिया में
तो समझाने वाले तो उसको निकालने वाले तो उसको निकाल लिया, उसी को गाली दे रहा, समझ रहा है कि हम तो स्वर्ग में थे। तो यही सुख को हम स्वर्ग मान बैठे हैं, पर संतों को दया आती है कि कहाँ जाके मस्त हो गया है। तो समझाते हैं तो पगलवा सब उसी को पागल समझते, कौन पागल आ गया समझाने। तो हमारे चरणदास जी महाराज कहते बिना मदीरा मत बारे झूमे। तो क्या हो गया, फायदा क्या हुआ, बिना मदीरा के मतवारे हैं, मत कहें आठ पर झूमत ही बीते सदवाई कह रही है, तो फायदा क्या हुआ। तो चरणदास जी महाराज भी अब फैसला सुनाते हैं, अरे जन्म मरण दुख को तुम्हारा जन्म और मरण खत्म हो जाएगा। ये जन्म क्या है, पांच प्रकार का दुख है, एक गर्भ दुख है, माँ के पेट में बच्चा है वहां भी दुख होता है। सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो, कैसा था बच्चा, माँ के पेट में है, पिताजी बाहर खड़े हैं, पिताजी कह रहे हैं बाहर निकलो, और उस पोते से बतिया रहे हैं पिताजी से हम बाहर नहीं निकलेंगे, यही माँ के पेट ऐसी है, इसी में हम बचे रहेंगे, यही ऐसी में। पिताजी कह रहे कब तक रहोगे, निकलो बाहर। कहते हैं 12 साल रह गए माँ के पिताजी पेट में, तब बाहर निकले हैं। देखिए कैसे कैसे, तो गर्भ में भी दुख होता है, फिर जन्म लेने में दुख, और आजकल तो यह दुख बहुत बढ़ गया है। मैंने भी देखा है बचपन में गांव समाज में 16-16 बाल बच्चा कभी नहीं गए हॉस्पिटल, घरों में बच्चा का जन्म होता था, अपनी एमबीबीएस नहीं कुर्सी को डालिए पास, माताएं आती थी नाली काट के चली जाती, यही तो होता। और आज जन्म लेने में क्या समस्या है, स्वयं डॉक्टर हैं, पत्नी भी डॉक्टर, एक बच्चा का जन्म हुआ तो मैंने पूछा, कहा क्या कहें बाबा 80,000 खर्चा हुआ, हमने दोनों डॉक्टर 80,000 खर्चा। ये दशा है, तो बच्चा भी आजकल जाम में फंस जाता है, इस जाम को छुड़ाने डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर छुड़ाते हैं। और भागलपुर तो जाम में नामी है आजकल, लगभग 20 किलोमीटर है भागलपुर 0 माइल, और इस पार गंगा के पार नवतिया 0 माइल, तो 1,00,000 गाड़ी यहाँ तो वहाँ खड़ी हो जाती है, 20 किलोमीटर ये खड़ी, और 30 किलोमीटर कहलगांव है, 30-20-50 किलोमीटर, 20 किलोमीटर कुर्सेसा इधर नारायणपुर, अब जोड़ लीजिए 50-70 किलोमीटर, और इधर भागलपुर गलमरपुर उधर, और ये जाम में गाड़ी खड़ी रहती है, और इस जाम को हटाने पुलिस आती है। हम लोग 84 के जाम में जो फंसे हुए हैं, ये कौन निकालेगा, कभी कीड़ा में, कभी घोड़ा में, कभी मकोड़ा में, कभी नरक में, कभी स्वर्ग में, जो हम लोग भटक रहे 84 चक्कर में, इस जाम में जो फंसे हैं ये कौन निकालेगा। इस जाम से निकालने का काम एकमात्र संत सदगुरु के हवाले है, वही निकालेंगे। इस जान से निकालने का काम ईश्वर देव पितर परिजन से होत नहीं है उपकार, भगवान भी नहीं निकालते इस जान से, देवता और क्या निकाल सकेंगे, जो मर के पुत्र गया वो अपने भीतर गया है, अब सारा लोक पुनरावर्तन है, अगर कुटुंब को टुकुर टुकुर पाते रह जाए। तो यह में ही होवत गुरु से ही, ये काम संत सदगुरु का है, जो 84 के जाम में जो फंस गए हैं जीव, उससे बाहर निकालता है संत सदगुरु।
और जब बाहर आ जाए तो फिर बीमारी शुरू हो गई, कभी खांसी कभी बुखार कभी कुछ नहीं। ये बीमारी ये भी दुख, और हम लोग बीमारी को बुलाते भी हैं। अरे कैसे बुलाते हैं, तो बुलाना तो नहीं चाहता। आप भोजन खाते हैं, भूख लगती है तो खानी पड़ेगी, नहीं खाएंगे तो बचेंगे नहीं, तो खाते तो ठीक है, पर खाने के बाद एक लोटा पानी जो पी लेते हैं, बीच बीच में गट गट गिलास गिलास देते रहते हैं, तो हमारे भागवत जी क्या कहते हैं कि तुम 103 बीमारी को निमंत्रण दे रहे हो, यानी भोजन किए और ऊपर से एक दो गिलास पानी चढ़ा दिए ऊपर से, और आजकल तो फ्रीज वाला भी और चढ़ा देता है, तो खा के जो तुरंत पानी पीता है तो क्या होता है जानते हैं, आपके पेट में भी चूल्हा जठराग्नि, पानी देने से वो आग बुझ जाती है, अब वहाँ पर 1.5 घंटा भोजन रहता है, वो 1.5 घंटा अब भोजन सड़ेगा, अग्नि बुझ गए तो पकाएगा कौन इसको, अब वो सड़ेगा, वही बैड कोलेस्ट्रॉल बन के आपके खून में जाएंगे, कब्जियत होगी, और पहली बीमारी गैस्ट्रिक की खड़ी होगी आपको, फिर कब्ज की बीमारी, तो कब्ज से बवासीर हो जाएगी, और इस तरह बीमारी पर बीमारी बढ़ती चली जाएगी, इसलिए भोजन के बाद तुरंत पानी ना पिए। अगर पीने हैं तो भोजन करने के 48 मिनट पहले आप पानी पी लीजिए, पी लिए हैं तो 48 मिनट के बाद भोजन खाने बैठिए, खा लिए हैं तो 1.5 घंटा कम से कम मैंने 1 घंटा के बाद पानी पीजिए, अगर 1.5 घंटा के बाद पीते तो अति उत्तम, उसके बाद पानी पीजिए, मगर गट गट पीते हैं बस यही फेरा है, और सारे लोग गैस्ट्रिक से परेशान रहते हैं, वही गैस घुसता है खोपड़ी से, किधर घुस जाएगा रोक नहीं सकेगा, अभी भर पैदा उधर पैदा, ये परेशानियाँ होती है, तो इसीलिए अब पानी गुनगुना पीजिए, जैसे शरीर छोटे हैं ना इतना गर्म है, उतना ही गर्म पानी पीजिए, फ्रीज से निकाल के वो पानी ना पिए, तो पीते हैं पतली सुकड़ती है कब्जियत है, गुनगुना पानी पीजिए, जब पीजिए तो आपको बहुत लाभ होगा, बातें तो बहुत है।